गैस आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रीज़ की। और ट्रीज़ डेटा स्ट्रक्चर से पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ट्रीज़ हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से ट्रीज़ लिख देता हूँ और ट्रीज़ लिखने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर एक ट्री बनाकर भी दिखाता हूँ। और सबसे पहले बताएं हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग कॉमन टर्मिनोलॉजी को निपटाएंगे कि यार कॉमन टर्मिनोलॉजी जो होती है हमारी ट्रीज़ के अंदर वो क्या होती है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले ट्रीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो बना देता हूँ। ठीक है, एक यहाँ पर मैं इस तरह से गोला बनाऊंगा, इसमें मैं मान लो एक वैल्यू डाल देता हूँ 7। उसके बाद मैं कहूँगा कि ये जो 7 वैल्यू है ये 3 से जुड़ी हुई है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो 3 नोड्स से ये 7 वैल्यू जुड़ी हुई है उन नोड्स को भी बना देता हूँ। यहाँ पर मैं बना देता हूँ 8, यहाँ पर मैं बना देता हूँ 2, यहाँ पर मैं बना देता हूँ मान लो 11। ठीक है, तो ये 3 नोड्स मैंने बना दिए। ठीक है, 8 बनाया, उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 बनाया और उसके बाद मैंने 11 बनाया। ठीक है, और फर्दर मैं क्या करूँगा, इनको भी 2 नोड्स से जोड़ दूंगा। ठीक है, और इनफैक्ट इसको मैं 1 और इसको 0 वैल्यू दूंगा, इसको सिर्फ 1 नोड से मैं जोड़ूंगा जिसके अंदर मैं वापस से 2 वैल्यू दूंगा। थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ यार इसको, तो यहाँ पर ये जो मैंने 2 वाला बनाया इसको मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप इसको जोड़ सकते हैं कुछ इस तरह से और इसको यहाँ पर वैल्यू वापस से 2 दे सकते हैं। इसमें भी आप वैल्यू यहाँ पर कुछ वापस से 3 दे सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आप वैल्यू वापस से 4 दे सकते हैं, कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। तो मैंने एक टिपिकल यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिया है ट्री का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करने वाले थे तो उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है ना कि जो पिताजी होते हैं उनके 3 बेटे हैं यहाँ पर, और उनके जो 3 बेटे हैं उनके भी कुछ बच्चे हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ज़रा यहाँ पर इनको ना नाम दे देता हूँ चीज़ों को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको दे देता हूँ राघव नाम। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि यार ये राघव अंकल है, राघव, इनके ना 3 बच्चे हैं, एक का नाम है श्रुति, एक का नाम है यहाँ पर क्या दूँ, राहुल दे देता हूँ यार, राहुल, और यहाँ पर एक छोटा सा कोई नाम बताओ, ओम। ठीक है, एक ओम जगह नहीं थी ना इसलिए छोटा दिया नाम इसको मैंने, ओम। ठीक है, इनके 3 और बच्चे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो श्रुति दीदी हैं, श्रुति दीदी का सिर्फ एक बेटा है, ठीक है, उसका नाम है रोहन। और उसके बाद जो रोहन है उसका एक बेटा है, उसका नाम है संकल्प। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने येलो कलर से लिख दिया, मुझे पता है मैं और अच्छे से लिख सकता था इस चीज़ को, बट ठीक है यार मैं कोई दूसरा कलर लेके भी लिख दूंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि इनके भी बच्चों का नाम मैंने लिख दिया। ठीक है, एक तो रोहन था और एक संकल्प था, संकल्प। ठीक है, तो मैंने श्रुति, रोहन, संकल्प और इनके भी सबके नाम होंगे, मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर अगर हम लोग बोलें कि श्रुति के जो राघव है वो पिताजी हैं, ठीक है, तो क्या ये सच है? ऑब्वियसली सच है यार, जो राघव है वो श्रुति के पेरेंट हैं। ठीक है, और यहाँ पर मान लो दुनिया की स्थापना हो रही है, मैं बहुत अजीब गरीब बातें कर रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप लोगों को बियर करना पड़ेगा, बट आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ठीक है, मान लो ये धरती है, ठीक है, क्या है ये, अर्थ है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्थ और ई को भी ब्लैक कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अर्थ बनाई और ये जो अर्थ है इसमें मान लो इसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कौन कर रहा है, राघव बाबू कर रहे हैं। ठीक है, तो राघव बाबू क्या कर रहे हैं, राघव बाबू ने इस अर्थ की स्थापना करी और राहुल, ओम और श्रुति को जन्म दिया, और श्रुति ने जो है रोहन, रोहन ने संकल्प को जन्म दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हो क्या रहा है, आप लोग देखो, अगर मैं कहूँ कि जो राघव है वो इस दुनिया के पहले इंसान है तो क्या ये सच है? ऑब्वियसली सच है। तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा रूट को, तो कुछ टर्मिनोलॉजी लिखूंगा यहाँ पर। ठीक है, और उसको आप लोग देखना, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, रिलेटेड टू ट्रीज ऑब्वियसली। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो ट्रीज है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर मैं लिखना चाहूंगा रूट। तो जो रूट होता है वो एक ऐसा नोड होता है जिसके ऊपर कोई नोड नहीं होता है, यानी कि जो और नोड से जुड़ा होता है नीचे की तरफ लेकिन उसको कोई और लिंक नहीं कर रहा होता है। ठीक है, तो ये जो टॉप मोस्ट नोड होता है वो होता है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं टॉप मोस्ट नोड। तो ये टॉप मोस्ट नोड हो गया हमारा। इसके बाद यहाँ पर मैं आना चाहूँगा दूसरी टर्मिनोलॉजी में, और वो है पेरेंट और चाइल्ड। ठीक है, सबसे पहले पेरेंट लिखेंगे यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर पेरेंट की बात करूँ तो पेरेंट कौन है? पेरेंट वो है जो कि किसी भी नोड को ऊपर से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस बात को मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि जो डायरेक्टली ऊपर है किसी भी एक नोड के वो क्या है, पेरेंट। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा नोड Which, और उसके बाद मैं लिख दूंगा connects to
दी चाइल्ड, ठीक है, कोई भी नोड जिसको एक नोड कनेक्ट कर रहा है वो उसका पेरेंट है। फॉर एग्जाम्पल श्रुति के पेरेंट राघव हैं, ठीक है, और रोहन की पेरेंट श्रुति हैं, और संकल्प के पेरेंट रोहन हैं, और उसके बाद यहाँ पर राहुल के पेरेंट राघव हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। तो पेरेंट भी आप लोग समझ गए। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को अगर चाइल्ड बताऊंगा तो यार वो भी आप समझ गए होंगे। और यार आप लोगों को इनकी जो डेफिनेशन है ना, मैं डेफिनेशन नहीं, मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड कौन है? चाइल्ड वो है जिसको कनेक्ट करता है कोई भी नोड, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नोड विच इज कनेक्टेड बाय अनदर नोड, बाय अनदर नोड इज इट्स क्या, चाइल्ड, ठीक है। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गई कि चाइल्ड क्या होता है, ठीक है। चाइल्ड कौन है? श्रुति चाइल्ड है राघव की, रोहन चाइल्ड है श्रुति का, संकल्प चाइल्ड है रोहन का, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो ओम है वो चाइल्ड है राघव का। यहाँ पर देखो आप लोग, राघव यहाँ पर है, ओम यहाँ पर है, ठीक है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चाइल्ड को भी देख लिया क्या होता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे लीफ को कि ये लीफ नोड क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नंबर चार लिखूंगा और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा कि लीफ लिखूंगा कि लीफ क्या होता है। तो मैं यहाँ पर ऐसे लीफ लिख दूंगा और लीफ नोड, या फिर लीफ नोड को हम लोग एक्सटर्नल नोड भी बोलते हैं, और मैं इस चीज़ को ना कुछ ऐसे लिखना पसंद करूँगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा लीफ स्लैश एक्सटर्नल नोड, एक्सटर्नल, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा नोड, ठीक है। लीफ नोड या एक्सटर्नल नोड क्या है इसके बारे में बात करते हैं। जो लीफ नोड है हमारा वो है सबसे नीचे वाला नोड। अब ये सबसे नीचे वाला नोड क्या है? जिसका कोई चिल्ड्रन नहीं है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा नोड जो किसी और नोड को कनेक्ट नहीं कर रहा है। यानी कि अगर मैं बहुत ही सिंपल सी भाषा में आप लोगों को बताऊं, वो नोड जो कि पिता ना बन सका। लीफ और एक्सटर्नल नोड क्या है? वो नोड जो कि पिता नहीं बन सका। नीचे कमेंट में सब लोग लिख दो कि लीफ और एक्सटर्नल नोड उसे कहते हैं जो पिता नहीं बन सका, ठीक है। अब देखो जो संकल्प था वो पिता नहीं बन सका। यार छोटा होगा इसलिए पिता नहीं बन सका। अब ऐसा थोड़ी ना कि 6 साल की उम्र में पिता बन जाएगा, ठीक है। तो लीफ और एक्सटर्नल नोड वो होते हैं जो पेरेंट नहीं बन सके, यानी कि जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं है। तो यहां पर लिख दो, कोई भी पूछे अगर तो कह दो नोड्स विद नो चिल्ड्रन, नो चिल्ड्रन, खत्म बात, ठीक है। तो ये चीज जो है हमारी यहाँ पर लीफ नोड की बात जो है हमने कर ली है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि यार लीफ नोड क्या होता है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर इंटरनल नोड क्या होता है। तो ऑब्वियसली जो एक्सटर्नल नहीं है वो इंटरनल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो इंटरनल नोड है उसका यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। क्या है इंटरनल नोड, जरा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं यार। यहाँ पर इंटरनल नोड भी लिख देते हैं क्या है। तो इंटरनल नोड क्या है? नोड्स विद एटलीस्ट वन चिल्ड्रन, ठीक है। यार जो पिता नहीं बन सका उसका उल्टा क्या, जो पिता बन सका, खत्म बात, ठीक है। इंटरनल नोड क्या है मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जो इंटरनल नोड है वो है नोड विद एटलीस्ट वन चाइल्ड, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल नोड हो गया। तो अब मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर डेप्थ ऑफ अ नोड की, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि डेप्थ क्या होती है किसी भी नोड की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो 7 है हमारा, यहाँ पर अगर मैं कोई लाइट कलर ले लेता हूँ, यहाँ पर येलो कलर ले लेता हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो मैं येलो कलर लेता हूँ और यहाँ पर आप लोगों को येलो कलर की सहायता से बताता हूँ। तो अगर मैं डेप्थ की बात करूँ और डेप्थ को डिफाइन करूँ, तो मैं डेप्थ को डिफाइन करूंगा नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 7 की बात करूँ कि रूट से लेके कितनी एजेस यहाँ पर लिंक कर रही हैं, तो इसकी डेप्थ क्या होगी? इसकी डेप्थ 0 होगी, ठीक है। ऑब्वियसली इसकी डेप्थ 0 होगी, तो मैं यहाँ पर 0 लिख दूंगा, ठीक है। और मैं वो जो 0 लिखूंगा ना वो काले कलर से लिखूंगा, ना कि मैं इस कलर से लिखूंगा। तो मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ। इसकी जो डेप्थ है, मैं यहाँ पर डेप्थ लिख देता हूँ, इसकी डेप्थ 0 है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं 11 की बात करूँ तो इसकी डेप्थ क्या है, यानी कि श्रुति की बात करूँ, श्रुति की डेप्थ क्या है बताओ सब लोग नीचे कमेंट में कि श्रुति की डेप्थ क्या है। श्रुति की डेप्थ है 1, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक यहाँ पर हमारी एज आ रही है रूट से श्रुति की तरफ, ठीक है। तो क्या है हमारी श्रुति की डेप्थ? 1 है, ठीक है। रोहन की डेप्थ सिमिलरली 2 हो जाएगी। क्यों क्यों हुई रोहन की डेप्थ 2? या रोहन की डेप्थ 2 इसलिए हुई क्योंकि 1 एक एज आ रही है रोहन की तरफ, एक एज आ रही है, ठीक है। टोटल कितनी एज आ रही है? 2 एजेस आ रही है रोहन की तरफ, इसलिए रोहन की डेप्थ 2। संकल्प की डेप्थ कितनी होगी? संकल्प की डेप्थ होगी 3, ठीक है। तो 0, फिर उसके बाद यहां पर आप जैसे जैसे आते जाओगे 1, फिर यहां पर अगर मैं
मार्क करूँ तो 2 और यहाँ पर 3, ठीक है, और नीचे भी बहुत सारे नोट्स होते हैं, तो हमारी जो डेप्थ है वो हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को डेप्थ समझ में आ गया। तो डेप्थ की जो डेफिनेशन है वो भी मैंने यहाँ पर लिख दी है कि यार जो डेप्थ है वो होता है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू द नोड, ठीक है, यानी कि रूट से लेके जिस भी नोड की आप निकालना चाहते हैं डेप्थ, वहाँ तक कितनी एजेस हैं। जैसे कि अगर आप रूट की निकालना चाहते हैं तो वहाँ पर कोई एज ही नहीं है यार, रूट से लेके रूट तक कितनी एजेस हैं, 0। रूट से लेके श्रुति तक कितनी एजेस हैं, 1। रूट से लेके रोहन तक कितनी है, 2। तो ये हो गई डेप्थ, ठीक है। अब हाइट की बात करते हैं, ठीक है। हाइट का मतलब होता है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम नोड टू द डीपेस्ट लीफ, ठीक है। अब जो डीपेस्ट लीफ है वो यहाँ पर श्रुति के लिए क्या है, श्रुति अगर नीचे को उतरेगी तो कहाँ तक उतर सकती है, श्रुति रोहन तक जाएगी, रोहन से लेके फिर उसके बाद संकल्प में जाएगी। तो अगर मैं पार्ट ट्रेस करूँ श्रुति का तो क्या करेगी श्रुति, श्रुति कहेगी यार चलो यहाँ चलते हैं, इस डायरेक्शन में जाएगी, फिर इस डायरेक्शन में जाएगी और यहाँ पर जो है रुक जाएगी, ठीक है, एज फॉर स्टॉप। तो श्रुति जो है ये काम कर सकती है। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर आपका राहुल की, ठीक है, या फिर राघव की कर लेते हैं यार बात एक मिनट के लिए। अगर मैं राघव की बात करूँ यहाँ पर, तो राघव कहाँ से कहाँ तक जाएगा, राघव को अगर मैं बोलूँ नीचे उतरो तो नीचे किधर को उतरेगा, ये सबसे पहले राहुल तक जाएगा, फिर उसके बाद डीपेस्ट लीफ तक जाना है, यानी कि नीचे इतना उतरना है जितना नीचे उतर सकते उतरना है। तो डीपेस्ट लीफ कौन सी है उसके लिए, 0 या 1, ठीक है, कोई सी भी में भी उतर जाएगा। तो अगर मान लो ये ऐसे उतर रहा है तो ये बताओ ज़रा कितनी एजेस मिली उसको, 2 एजेस मिली। तो राघव की हाइट क्या है, राघव की हाइट है 2। श्रुति की हाइट क्या है, श्रुति की भी 2 है क्योंकि 2 बार उतरा। राघव की हाइट 2 नहीं है एक्चुअली, आई एम सॉरी, राघव की हाइट है डीपेस्ट लीफ क्या है राघव के लिए, डीपेस्ट लीफ राघव के लिए 4 है। देखो राघव उतरेगा अगर तो यहाँ से उतर सकता है, तो दैट्स अ मिस्टेक। हम डीपेस्ट लीफ की बात करते हैं, राघव के लिए डीपेस्ट लीफ क्या है, राघव अगर ज़्यादा से ज़्यादा उतरना चाहता है नीचे तो राघव श्रुति तक उतरेगा, फिर उसके बाद श्रुति से रोहन, रोहन से संकल्प, ठीक है। यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर ये 1, फिर 2 और 3, ठीक है। तो राघव की हाइट 3 है, श्रुति की हाइट 2 है यहाँ पर, ठीक है। सो आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो है सिबलिंग्स, जो कि मुझे चाइल्ड के साथ ही आप लोगों को बतानी चाहिए थी, बट चलो यार अब बता देता हूँ, बात तो वही है, ठीक है। तो सिबलिंग्स में ज़रा एंड में इंक्लूड कर रहा हूँ, वैसे चाइल्ड के बाद मुझे बोलना चाहिए था, बट ठीक है यार क्या ही फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो मैं नंबर 8 यहाँ पर लिख देता हूँ, नोट्स बिलोंगिंग टू द सेम पेरेंट को हम लोग कहते हैं सिबलिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पर नोट्स बिलोंगिंग टू द सेम पेरेंट यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिबलिंग्स। तो अब यहाँ पर हमारी सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो एक जगह पर आ गई है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई हैं चीज़ें। तो यहाँ पर हमने बात करी कि भाई क्या होता है हमारा रूट, क्या होता है पेरेंट, चाइल्ड, लीफ, इंटरनल नोड, एक्सटर्नल नोड, डेप्थ, हाइट और सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग का मतलब यह है भाई बहन, ठीक है, यानी कि सेम पेरेंट के बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजी और मैं बोलना चाहूँगा, सबसे पहली है हमारी एंसेस्टर्स और दूसरी है डिसेंडेंट्स, ठीक है। एंसेस्टर मतलब क्या हुआ, जैसे संकल्प के रोहन एंसेस्टर हैं, श्रुति भी एंसेस्टर हैं और राघव भी एंसेस्टर हैं, यानी कि दादा, परदादा, नानी, परनानी, उस तरह से उनको बोलते हैं एंसेस्टर्स, ठीक है। अब संकल्प के एंसेस्टर रोहन है, श्रुति है और राघव है, ठीक है। और राघव के डिसेंडेंट्स कौन है, राघव के डिसेंडेंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को बताता हूँ कि जो राघव है उनके डिसेंडेंट्स कौन है। तो राघव के डिसेंडेंट्स कौन होंगे, राघव के डिसेंडेंट्स होंगे जो भी राघव के नीचे आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि श्रुति और रोहन। तो एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स भी यार यहाँ पर ऐड कर देते हैं फिर टर्मिनोलॉजी में, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स, ठीक है। और टर्मिनोलॉजी में यहाँ पर जो आप लोगों को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि टर्मिनोलॉजी की लिस्ट है और 9 ही है या 10 ही है, टर्मिनोलॉजी तो आगे और भी इंट्रोड्यूस होती रहेंगी। यहाँ पर ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज टर्मिनोलॉजीज हैं ट्रीज में, ठीक है। तो डिसेंडेंट्स, एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों को एंसेस्टर्स और डिसेंडेंट्स की परिभाषा देखनी है तो परिभाषा आप लोगों को मिल जाएगी यार इंटरनेट पे भी। मैं यहाँ पर आप लोगों को लॉजिकली बता देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है। तो लॉजिकली क्या होता है कि जो एंसेस्टर्स हैं, संकल्प के एंसेस्टर्स कौन कौन हैं, संकल्प के एंसेस्टर्स है रोहन पहला एंसेस्टर, श्रुति दूसरी एंसेस्टर और उसके बाद राघव। क्या संकल्प का एंसेस्टर राहुल है, नहीं, राहुल से कोई मतलब ही नहीं है। राघव के यहाँ पर एक बेटा एक बेटी जो है वो है राहुल और श्रुति। श्रुति से संकल्प का कोई लेना देना है, राहुल से कोई लेना देना नहीं है, राहुल तो उधर वाली ब्रांच में है, ठीक है। हाँ ये बात सही है कि जो राहुल और श्रुति हैं वो दोनों भाई बहन हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि राहुल से संकल्प और रोहन का कोई लेना देना है।
श्रुति जो है वो रोहन की माता है, संकल्प के पिता का नाम रोहन है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है कि जो राहुल है उसका कोई लेना देना हो संकल्प से। अगर हम संकल्प के पापा के पापा के पापा की बात करें तो राहुल का नाम वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए राहुल इज़ नॉट एन एंसेस्टर, ठीक है। अब डिसेंडेंट की अगर हम बात करें तो डिसेंडेंट एंसेस्टर का उल्टा, जैसे हम एंसेस्टर्स में ऊपर की तरफ देख रहे हैं, डिसेंडेंट्स में हम लोग नीचे की तरफ देखेंगे। यानी कि अगर मैं राघव के डिसेंडेंट्स की बात करूँ तो क्या राहुल है? हाँ भाई है। क्या श्रुति है? हाँ भाई है। क्या संकल्प है? हाँ भाई है। तो नीचे की तरफ अगर मैं जा रहा हूँ तो वो मेरे डिसेंडेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ चाइल्ड्स डिसेंडेंट्स को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, और एंसेस्टर्स को क्या बोल सकता हूँ? पेरेंट्स और पेरेंट ऑफ पेरेंट्स, ठीक है, वो सारे के सारे एंसेस्टर्स हैं। तो आई होप कि यार ये जो ट्रीज है या आप लोगों को जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो समझ में आ गई है, क्योंकि यार इसमें कॉन्सेप्ट तो बहुत सारा है और वो कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो अभी आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत समझ लेना कि यार दैट्स ऑल अबाउट ट्रीज, और ऐसा कुछ नहीं है। ट्रीज में अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, तो आप लोग बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि यार यही है सिर्फ ट्रीज में। ट्रीज़ में काफ़ी चीज़ें अभी और भी आने वाली हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे, कोड करेंगे, या 10 काम और हैं जो कि हम लोग करेंगे। बट आप लोग यहाँ पर जो है थोड़ा सा टाइम दें और इसको समझें। सारी टर्मिनोलॉजीज़ आप लोगों को आनी चाहिए। अगर आप लोगों को टर्मिनोलॉजीज़ नहीं आ रही हैं समझ में, बार बार देखें वीडियो को, उसके बाद आप लोगों को ज़रूर समझ में आएंगी। सो आई होप कि आप लोगों को जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ट्री का वो समझ में आ गया। अगर आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है, जिसका ये वीडियो जो है वो पार्ट है, अगर नहीं करी है तो ज़रूर से कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।